नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। हमारे चैनल के इस स्पेशल सेगमेंट साहित्य सांची में आप सभी का बेहद स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं हिंदी साहित्य और उससे जुड़े विषयों के बारे में। आज हम हमारे इस सेगमेंट में बात करेंगे नई कहानी के एक उम्दा लेखक मोहन राकेश की। साल 1955 और 56 साहित्य जगत के लिए नए आयाम लेकर आया। अभी तक की लेखनी में जो आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद था उससे मोह भंग हुआ और इससे फूटा यथार्थवाद का बीज। साहित्य और परिपक्व हुआ, अस्तित्ववाद को जगह मिली और मानवीय मन की जटिलताओं को जैसे अभिव्यक्ति मिल गई। ये दौर था नई कहानी का। इसके अनुयायियों में दौर के बेहतरीन लेखक मोहन राकेश का जन्म आज ही के दिन यानी 8 जनवरी 1925 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था। आधुनिक नाटकों की बात की जाए और आषाढ़ का एक दिन का जिक्र ना हो बात नहीं बनती। कालिदास वो पुराने ना रहे, उनका नाम छोड़कर सब कुछ नया था। उनकी विडंबना, मल्लिका का प्रेम, सामाजिक बंदिशें, एक माँ का डर, मानवीय भावनाओं की उथल पुथल और प्रेम और कामयाबी के बीच के चुनाव के अंतर्द्वंद को जिस तरह से ये नाटक पेश करता है, यकीनन वो इसके हमेशा प्रासंगिक बने रहने का एक बड़ा कारण है। नाटक आप पढ़ते कम हैं, इसको जीते ज़्यादा हैं। शैली ऐसी है कि पूरा नाटक कल्पना में उतर आएगा, पढ़ के उठेंगे तो जहन में रह जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सिनेमा घर से कोई बेहतरीन मास्टरपीस देखकर निकल रहे हों। प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरीके से वर्णित किया गया है वो यकीनन एक साहित्यिक हृदय को दर्शाता है। पहाड़, बारिश, बिजली, सब कुछ बिल्कुल जीवंत हो उठता है, लेकिन यथार्थ के साथ कोई समझौता नहीं। मोहन राकेश को 1968 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। मोहन राकेश की कहानियाँ शहरी मध्यम वर्ग के जीवन में घुसपैठ करके उसकी विडंबनाओं, उधेड़बुन और बाहरी शोर में गुम भीतरी अकेलेपन को खोजकर उसे परत दर परत उधेड़ कर आपके सामने परोस देती हैं, बिना पात्रों पर कोई जजमेंट पास किए हो। एक और जिंदगी के प्रकाश का बिखरा हुआ जीवन हो या फिर मिस पॉल का भीतरी खोखलापन, मानवीय भावनाओं को इतनी परिपक्वता से शायद ही किसी लेखक ने परोसा है। मिस पॉल का घर, उनका रहन सहन, सब कुछ धीरे धीरे मिस पॉल को समझा देगा। बाहरी वस्तुओं और भौतिकता को भावनाओं की अभिव्यक्ति बनाने की कला में मोहन राकेश निपुण रहे हैं। 1963 में मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस लिखा। इस नाटक में आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन के बीच के चुनाव में आ रहे अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। किरदार अलग अलग मानसिक प्रवृत्ति के हैं और नाटक प्रतीकवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। सुंदरी का चरित्र चारवाक के सिद्धांत के अनुरूप चलता है, वो संसार को संदर्भित करती है। सुंदरी आत्ममुग्ध है, अहंकारी है। नाटक का केंद्रीय पात्र नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है, जो उनसे प्रभावित होकर घर छोड़कर सन्यासी हो जाना चाहता है, लेकिन संसार यानी अपनी स्त्री के मोहवश फंसा हुआ है। नाटक इसी अंतर्द्वंद और मानवीय जटिलताओं को समेटे हुए आगे बढ़ता है। साल 1969 में आधे अधूरे नाटक लिखा गया, मोहन राकेश का एक ब्रिलियंट काम। ये नाटक कई बार कई मंचों पर अभिनीत किया जा चुका है। नाम के अनुरूप नाटक का हर पात्र अधूरा है, टूटा हुआ है और पूर्णता की तलाश में है। बिखरा हुआ मध्यम वर्गीय परिवार, उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप, आकांक्षाएं, बदलते परिवेश में स्त्री पुरुष के रिश्तों की जटिलता को ये नाटक बड़ी बेहतरी से समझाता है। महेंद्रनाथ, जो दोस्तों के बीच काफ़ी हंसमुख हैं, घर में एक नकारा हुआ व्यक्ति है वो। अपनी बीवी पर आश्रित होने की वजह से वो उसका सम्मान नहीं करती,
और अपने लिए एक ऐसे पुरुष की तलाश में है जो अपने आप में पूरा हो और उसे अपनी इस पूर्णता की परिभाषा में कुछ विशेषताओं के साथ लोग भी मिलते हैं, पर फिर एक वक्त पर आकर वो उनसे भी हताश ही होती है। स्त्री मन की ऐसी आत्म केंद्रित प्रवृत्ति को नाटक बड़ी बखूबी दर्शाता है। सामाजिक बंधनों को और आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बीच पिसते इंसानी जीवन को चित्रित करने में ये नाटक सफल रहा है। लगता ही नहीं कि नाटक उस दौर में लिखा गया था। जब भी व्यक्ति के अंतर्द्वंद्वों और उसके प्रभावों की बात होगी, इस नाटक का जिक्र होना बेहद लाजमी हो जाएगा। स्त्री पुरुष के रिश्तों में जो जटिलता है, वो आधुनिकता की विशेषताएं जैसे आत्मनिर्भरता, तथाकथित स्वतंत्र और प्रगतिशील जीवन, लेकिन साथ ही में रिश्ते में स्थायित्व की तलाश के बीच की उधेड़ बुन के कारण है। ये विरोधाभास जीवन में उलझने ला रहा है और परिणाम स्वरूप आपसी रिश्तों पर भी उसका असर पड़ता जा रहा है। दो तरह के जीवन जीने की चाह में नाटक के पात्र एक भी चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। मोहन राकेश ने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया। कांपता हुआ दरिया उपन्यास अधूरा रह गया था। मोहन राकेश के किस्सों और नाटकों के किरदार स्वतंत्र होकर भी खुश नहीं हैं, जो आज की भी सच्चाई है। उनमें एक खालीपन है, लेकिन ये किरदार किसी भी तरह से जीवन को छोड़कर नहीं भागते हैं, जो अमूमन आदर्शवादी लेखनी का एक हिस्सा रहा है। इनके पात्र जीवन के संघर्षों से क्रांति करके एक बेहतर अंत की ओर अग्रसर नहीं है, बल्कि इनके किरदार संघर्ष करते हैं और उसी से कहानी आगे बढ़ती है। उनके ही द्वंद्व, उनकी प्रवृत्तियां कहानी बना देती हैं। कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, पर पढ़ने के बाद एक खालीपन जहन में रेंग जाएगा। इनकी कहानियां अंत की ओर अग्रसर नहीं है, बल्कि अंत कहानी का मात्र एक हिस्सा है। किस्सों और नाटकों का अंत समाधान परक या उपदेशात्मक नहीं है। संघर्षों के बीच जूझते मोहन राकेश के पात्र तब प्रासंगिक थे, आज हैं और आने वाले कई सालों तक बने रहेंगे। और जब भी नई कहानी का जिक्र होगा, मानव के चरित्र का जिक्र होगा, भावनाओं का जिक्र होगा, अस्तित्ववाद का जिक्र होगा और साहित्य के बेहतरीन धुरंधरों का जिक्र होगा, मोहन राकेश का नाम अनायास ही जबान पर आता रहेगा।